आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित आप लोग हैं, वैष्णव विद्यापीठ को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इंदौर आने का, देवी अहिल्याबाई की नगरी यहाँ पर आकर यहाँ की आबोहवा को महसूस करने का, कुछ समय बिताने का अवसर दिया है। जब मैंने पढ़ा, जब मुझे सुप्रिया का फ़ोन आया निमंत्रण, जब मैंने देखा कि किस तरह से 100 साल पहले कपड़ा व्यापारियों ने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाई कि जो अब हजारों छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप में यह बहुत सराहनीय कदम है। मेरे ख्याल से राष्ट्र निर्माण में इस समय, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की बहुत बात करते हैं, सही सकारात्मक शिक्षा देना अपनी भावी पीढ़ी को देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है। तो शुरुआत मैं करूंगी कि अभिवादन ही करते हैं इस संस्था का, वैष्णव विद्यापीठ का, ताली बजाकर, जिन्होंने आने से पहले यहाँ पर मुझे दिखाया गया कि कितने सारे सम्मान उसको मिले हैं, यहाँ के छात्रों ने कितनी उपलब्धियाँ की हैं। और जब से एक बच्चा जन्मता है और मुक्ति धाम तक जिस तरह से समझाया गया, एक सहायक के तौर पर इस साथ साथी बना रहता है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, प्रभा जर्नलिज्म इन द एज ऑफ न्यू मीडिया, जो मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सार्थक हो, बहुत सकारात्मक हो। जो छात्र हैं उनमें एक ऐसी भावना जागे कि जो वाकई में समझ सके, खासतौर से बताया गया मीडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसका एक अहम योगदान रहे। तो जर्नलिज्म द एज ऑफ न्यू मीडिया, जर्नलिज्म मेरे ख्याल से एक मंथन के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा गहरा मंथन को हम सबको गहराई से समझना और परखना चाहिए। जब मंथन होता है तो उसमें विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। अगर अमृत की पहले बात करूँ, सतही तौर पर अगर अमृत की बात करूँ तो अच्छा हुआ है, क्योंकि जो एक न्यू मीडिया से जो पुराना मीडिया था, सिर्फ टीवी, रेडियो या अखबार कहें, इस न्यू मीडिया के आने से रोजगार के अवसर बढ़े, कन्वर्जेंस, इंटरनेट, लोगों को अपने आप में एक भूमिका नजर आजाद हो रही है, उनकी एक आयाम जुड़ गया है आपके रोजगार का, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ जो जर्नलिज्म में विष की बात है कि क्या विष हुआ है, उसको समझने के लिए न्यू मीडिया को समझना। न्यू मीडिया अपने आप में व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, उससे मुझे जाने की जरूरत नहीं, शायद आप लोग ज़्यादा समझते हैं, मैं पुरानी पीढ़ी की हूँ, एक टेलीविजन से जुड़ी हुई हूँ। जो मुख्य कारण मुझे नज़र आता है कि अब हर किसी के हाथ में एक स्रोत है, हर किसी के हाथ में एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, और वो सोचता है कि जो सूचना वो दे रहा है, जो जानकारी वो दे रहा है, वही सही है। न्यू मीडिया के आने से एक इंटरफेस जो मनुष्य क्या होता था वो समाप्त हो गया। जो हमारा पुराना जर्नलिज्म था, अगर हम पुराना कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी स्थायित्व है और चल रहा है, अखबार होते थे, जो हमारा टेलीविजन है, खबरें आती थी, हमारे न्यूज एडिटर, डेस्क, लोग उन खबरों को मंगाते थे, फिर लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन इस न्यू मीडिया के आने से हर व्यक्ति सोचता है कि जो मेरे पास खबर आई है, या जो मैं सूचना दे रहा हूँ, या जो मैं सूचना बढ़ा रहा हूँ, वो सही। न्यू मीडिया के आने से क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्या ये कम तो नहीं है, क्या इस पर यकीन किया जाए, तमाम सवाल जहन में आने चाहिए, और अब सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं। जब टेलीविजन की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं अपनी शुरुआत से करूँगी, 91 में मैंने काम करना शुरू किया, पहली जॉब मुझे न्यूज़ ट्रैक से ही मिली थी, और 95 में 1995 में पहला टेलीविज़न आया था, प्राइवेट टेलीविज़न, जिसको खबरें प्रसारित करने की अनुमति दी गई, और जो खबरें प्रसारित करने की अनुमति दी गई थी वो आज के लाइव के ज़माने से बिल्कुल अलग था, वो ऐसा नहीं था। जो टेप में हम VHS टेप में रिकॉर्ड करते थे उसको VSNL भेजते थे, और ये पूरा बाकायदा टेप तैयार होता था, घंटों की मेहनत से तैयार होता था, एक एंकर लिंक पड़ता था, एक डेस्क, एक रिपोर्टर्स होते थे, डेस्क उनकी स्क्रिप्ट लिखती थी, वॉइस वो आर्टिस्ट होता था, फिर एक VHS टेप में बनता था, वो फिर VSNL जाता था, वहाँ से पूरे ले
के 1995 के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स आ गए, उनको खुद प्रसारित न्यूज़ करने की अनुमति मिली, वो भी डेफर्ड न्यूज़ करने की अनुमति मिली। मुझे याद है कि जो हमारा ऑफिस था, कुछ मिनटों के अंतराल में आप न्यूज़ दिखा सकते थे, सिक्योरिटी रीजंस का बताए गए, इसके लिए तमाम चीज़ें थी। मुझे याद है जब 9/11 हमला हुआ था अमेरिका का, तो 6 बजे की मैं खबर पढ़ के लाइब्रेरी में ही गई थी, मुझे फ़ोन आया कि नहीं आप वापस आइए, आपको एंकरिंग करनी है। तो हमने देखा किस तरह से पेंटागन में हमला हुआ, ट्विन टावर्स में हमला हुआ, वो तो हम बाद में कहते हैं ट्विन टावर्स में हमला हुआ। मेरे सामने एक प्लेन गया, जो दृश्य दिखा रहे थे, मुझे उस पर बोलना था, एक इमारत का प्लेन टकराया, और कुछ देर बाद मैं देखती हूँ एक और प्लेन जा रहा है, फिर इमारत पर टकरा रहा है, लेकिन वो दूसरी इमारत है। तब समझ आया कि ये तो ट्विन टावर था, पूरी दुनिया ने ट्विन टावर अमेरिका जाके नहीं देखा। तो टेलीविजन ने वो जो चेहरा था आतंकवाद का, वो हम सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। उससे एक तरह से कहा गया कि दुनिया की एक सोच बदल गई। टेलीविजन जो माध्यम था, कितना सशक्त था, वो हम सबके सामने आ गया। लाइव टेलीविजन की अहमियत भी हम सबके सामने आ गई। और उसके बाद तमाम चीज़ें हुई, जो टेलीविजन की जो भूमिका थी वो हम सबके सामने आई, इस प्रोफेशन को एक गरिमा मिली। इस समय हमारे देश में 2007 में, मुझे याद है मैंने कई टेक टॉक दिया था, उस समय 1600 टेलीविजन चैनल्स हमारे देश में का आंकड़ा था, और भी बढ़ गए होंगे 2 सालों में, और 424/7 न्यूज़ चैनल्स हमारे देश में चल रहे। तो ये हमें समझ में आता है कि कितना पावरफुल मीडियम टेलीविजन, एक इंडस्ट्री बन गया, लोगों को बहुत रोज़गार मिला। लेकिन अब एक नया आयाम इसमें जुड़ गया है, और वो नया आयाम है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया में जिस तरह से मैम भी बोल रही थी, आप खुद यूट्यूब में लोग अपने चैनल शुरू करते हैं, उनको एक रोज़गार का अवसर ही खुद अपने आप बन रहा है।